हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब हमारा वास्ता आए दिन जवानों की शहादत से जुड़ी खबरों से होता है। उसके बाद तिरंगे में लिपटे उनके ताबूत और सैन्य सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की फोटो अखबारों में छपती हैं और न्यूज़ चैनलों पर दिखाई जाती हैं। हम उनकी बहादुरी पर गर्व से भर जाते हैं और इसका कारण होता है सोशल और टेलीविजन मीडिया। लेकिन अगले ही दिन वो शहादत हमारे दिलो दिमाग से गायब हो जाती है। सरकारी नौकरी, ब्लू शर्ट या वाइट वन, या फिर राजमा चावल और कढ़ी चावल में से क्या, इस संघर्ष में बीत रही अपनी जिंदगी में आज बात प्यार की, जो किसी सपनों की दुनिया से भी ज्यादा हैपनिंग है, सांसों की तरह अनवरत है और किसी भी कहानी से ज्यादा रोमांटिक। नमस्कार, मेरा नाम है हरगुन कौर और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी में लड़के लड़कियां जमा थे। आज कॉलेज का पहला दिन था। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में गंभीर से दिखने वाली एक लड़की की नज़र क्लास के एक हैंडसम से लड़के पर पड़ी। शरारती सी आंखों वाला ये लड़का नोटबुक को टेबल पर घुमा रहा था। अचानक उसने भी ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। लड़की ने नज़रें हटा ली, लेकिन वो उस पूरे दिन कनखियों में उसे ही देखती रही। ये इस खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत थी। साल था 1995। चेहरे पर पड़ने वाले एक छोटे से विन्यास के ऊपर इस लड़की का नाम रखा गया था डिम्पल, डिम्पल चीमा, और लड़के का नाम विजय और पराक्रम के सचमुच से बना था। नाम था विक्रम बत्रा। दोनों एमए इंग्लिश कर रहे थे, लेकिन जैसा कि किस्मत को मंजूर था, दोनों में किसी का एमए पूरा नहीं हुआ। एक इंटरव्यू में डिम्पल चीमा कहती हैं, कितना चहक रहा था वो, उसकी बेचैनी मैं साफ साफ याद कर सकती हूँ, जब उसने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि उसका चयन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो गया है। लेकिन इस खबर ने उनके रिश्ते के बीच भौतिक दूरी बढ़ा दी। विक्रम ट्रेनिंग के लिए चला गया। डिम्पल बताती हैं कि एक बार नाडा साहिब गुरुद्वारे में परिक्रमा के बाद विक्रम ने मुझसे कहा था, बधाई हो मिसेस बत्रा, हमने 4 फेरे ले लिए हैं और आपके सिख धर्म के अनुसार हम पति और पत्नी हैं। वो कहती हैं, जब एक बार वो मुझसे मिलने आया तो मैंने उससे शादी का मसला उठाया, क्योंकि मुझे कभी कभी असुरक्षा होने लगी थी। वो कहीं से एक ब्लेड ले आया, अपना अंगूठा काटा और अपने खून से मेरी मांग भर दी। ये पल आज तक मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा एहसास है, इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसके बाद मैं उसे कभी कभी चिढ़ाती और कहती कि तुम पूरे फिल्मी हो। लड़की के जब रिश्ते आने लगे तो विक्रम ने उसे कहा, जो तुम्हें पसंद है उसे पाना सीखो, नहीं तो जो तुम्हें मिलता है उसे तुम पसंद करने पर मजबूर हो जाओगी। आज कारगिल वॉर हीरो विक्रम बत्रा की 21वीं पुण्यतिथि है। एक चोटी जीत कर ये दिल मांगे मोर कहने वाले विक्रम बत्रा ने सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन की साधारण सी लाइन को कारगिल युद्ध का नारा बना दिया। अपने साथी को पाकिस्तानी घुसपैठियों की गोलियों से बचाने के चलते विक्रम बत्रा शहीद हो गए। सरकार ने उन्हें युद्ध काल के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। लेकिन कहानी के दूसरे छोर पर जो लड़की है, उसके हिमालय से अधिक इरादों के सामने आपको ये सम्मान भी कम लग सकता है। विक्रम की शहादत के उन पलों को याद कर डिम्पल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन यादों को बांटना बेहद मुश्किल है। कैप्टन कारगिल से लौटते ही उससे शादी करने वाले थे। वो लौटे तो ज़रूर, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। डिम्पल कहती हैं कि उनका साथ मात्र 4 सालों का रहा, लेकिन ये यादें एक ज़िंदगी काटने के लिए काफ़ी हैं। आज 21 साल गुजर गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को उनसे अलग नहीं पाया। मुझे महसूस होता है कि वो एक पोस्टिंग पर गया है। मुझे अपने दिल में उम्मीद है कि हम लोग फिर से मिलने वाले हैं, बस ये समय की बात है। एक और साधारण सी बात जो हमारे जीवन में रोज़ होती है, लेकिन डिम्पल की यादें उसे असाधारण बना देती हैं। डिम्पल बताती हैं कि कारगिल पर जाने से पहले विक्रम मुझे ठीक 7:30 बजे फ़ोन किया करता था, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। आज भी जब मैं घड़ी की तरफ देखती हूँ और उसमें 7:30 बजे हूँ, तो मेरे दिल की एक धड़कन मिस हो जाती है। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करना बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस अपडेट्स समय से मिलते रहें। राम राम।